राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। पोलिंग बूथों पर सुबह 7 बजे से ही कतारें दिखाई दे रही हैं। जनता उम्मीदवारों की उम्मीद पर मुहर लगा रही है और यहां दोनों ही मुख्य पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। राजस्थान में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। जनता उम्मीदवारों के भाग्य का नीला बटन दबा रही है और प्रत्याशी अपनी प्रत्याशाओं के पूरा होने का ख्वाब देख रहे हैं। प्रदेश की 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, जबकि एक सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के निधन की वजह से चुनाव स्थगित कर दिया गया था। ये सीट श्री गंगानगर जिले में आती है और यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर का बीते 15 नवंबर को निधन हो गया था। राजस्थान में हो रहे चुनाव में एक तरफ जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथों पर लाइन में है, तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत, सचिन पायलट, वसुंधरा राजे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और अर्जुन राम मेघवाल सरीखे दिग्गजों ने भी अपने अपने पोलिंग बूथों पर वोट किया है। राजस्थान में मुकाबला इस बार करीबी है। कांग्रेस दोबारा सरकार रिपीट करके 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ने के ख्वाब देख रही है, तो वहीं बीजेपी सत्ता में वापसी को बेताब है। यही वजह है कि दोनों ही पार्टी के नेता अपनी अपनी जीत का दम भरते नजर आ रहे हैं। जो जनता का निर्णय होता है वो सही निर्णय होता है। मैं समझता हूँ उस पब्लिक से ज्यादा समझदार और संजीदा कोई नहीं है, ना नेता ना पत्रकार। तो पब्लिक को छोड़ देना चाहिए। पब्लिक मुझे लगता है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखेगी और भाजपा कांग्रेस की वर्किंग को, नेताओं के आचरण को, और उस पर अपना आकलन करके मतदान करेगी। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार की सारी स्टेट्स में कांग्रेस जीत रही है, राजस्थान में हम जीत कर जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि 156 सीटें कांग्रेस को सवार आ सकती हैं। नहीं, मैं आंकड़ों में कभी जाता नहीं हूं, लेकिन ये है कि मैंडेट और लोगों का आशीर्वाद और जो आंकड़ा हमें सरकार बनाने के लिए चाहिए वो हमें मिलेगा। राजस्थान के जनमानस ने भी मोदी जी के नाम और काम, कांग्रेस पार्टी की मौजूदा सरकार के खिलाफ जो मुद्दे थे, खासतौर पर किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, तुष्टिकरण, इन सब के खिलाफ लग रहा है कि ईवीएम में उनका आक्रोश प्रकट हो रहा है। और मैं इसी आधार पर कह सकता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर बूथ पर परिश्रम का पराक्रम किया, उस आधार पर मैं दावा कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे बहुमत की सरकार बनाएगी और हम सब लोग भैरव सिंह शेखावत जी से लेकर वसुंधरा जी तक राजस्थान में राजस्थान को बीमारू राज्य से निकालकर सुशासन का जो काम किया था उसको हम अनंतर जारी रखेंगे। दोनों ही पार्टियों के नेता भले ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में आखिरी फैसला जनता ही करती है और माना जा रहा है कि यहाँ साइलेंट वोटर की भूमिका अहम रहने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान के राज का ताज जनता किसके सर पहनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। तो फिलहाल राजस्थान इलेक्शंस से जुड़ी इस खास अपडेट में अभी के लिए बस इतना ही। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।